Hello guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Supriti and you are watching English Spoken Series by Kids Learning Supriti. Guys, आज से मैं एक सीरीज की शुरुआत करूंगी. आज डे वन है. इस सीरीज में मैं कवर करूंगी टेंसेस, मोडल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच. बट उससे पहले मैं कवर करूंगी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, जो कि आज का टॉपिक भी है, बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. इनके जरिए आप बेसिक वर्ड्स सीखेंगे, यानी कि वो वर्ड्स जो आप इंग्लिश बोलने या लिखने के लिए यूज़ करते हैं. तो बिना समय गवाए आज शुरुआत करते हैं इस सीरीज का डे वन के साथ. लेट्स बिगिन. तो आज डे वन में मैंने सबसे पहले जो वर्ड्स लिए हैं वो है दीज, दैट, दीज एंड दोज. सबसे पहले मैं ये वर्ड्स इसीलिए लिए हैं क्योंकि जब आप भी कभी इंग्लिश बोलने या सीखने की शुरुआत करते हैं तो ये वर्ड्स सबसे पहले आते हैं और इन्हें कहा जाता है डेमोंस्ट्रेटिव्स, मींस टू शो समथिंग और पॉइंट टू पीपल और थिंग. अब सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इनकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग क्या है, फिर इनके यूजेस भी समझेंगे. तो सबसे पहले बता दूं, दीज का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होगा दीज, दैट का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन दैट, दीज का दीज, दीज. ओके, दोज का दोज. आप दोज नहीं बोलेंगे, दोज बोलेंगे. और दीज में भी दीज नहीं बोलना है, दीज बोलना है. ओके, अब हम जानते हैं दीज का हिंदी मीनिंग. इसका मतलब है यह, दैट का मतलब है वह, दीज का मतलब है ये, और दोज का मतलब है वे या वहां. दूर में किसी चीज को दिखाने या किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए हम दोज का यूज करते हैं. अब चलिए सबसे बड़ा डिफरेंस समझिए, जो कि पहला है दीज और दीज. इसका मतलब होता है कोई वस्तु पास में हो या कोई व्यक्ति हो, अगर हम उसे दिखाना चाहते हैं तो हम उसका डिनोट कैसे करेंगे, दीज या दीज के साथ. दूसरा देखिए दैट या दोज, इसका मतलब है हम किसी व्यक्ति या वस्तु को दिखाना चाहते हैं दूर से. इस चार्ट के द्वारा शायद आप समझ पाए अच्छे से. देखिए सिंगुलर फॉर्म में है दीज, दैट, और प्लूरल फॉर्म में है दीज, दोज. जब हम पास की बात करें, नियर, तब हम दीज, टी एच आई इस का यूज करते हैं, इसका मतलब है यह. और जब हम दूर किसी वस्तु को दिखाने की कोशिश करते हैं तो तब हम क्या यूज करते हैं, दैट यानी वह. और जब प्लूरल फॉर्म में हो तब हम टी एच ई एस ई दीज में कोई वस्तु या व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं तो हम दीज का यूज करते हैं, उसका मतलब है ये. और दूर में हो तो दोज, टी एच ओ एस ई दोज का मतलब वे. तो आप इससे आसानी से समझ पाएंगे. अब चलिए सेंटेंसेस देखते हैं.
ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। यहाँ देखिए, जब आप किसी को किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं तब हम क्या बोलते हैं, दिस इज माई फ्रेंड सीमा, ये मेरी फ्रेंड सीमा है। या ऐसे बोल सकते हैं, हेलो मिसेज रॉय, दिस इज माई फ्रेंड सीमा। दूसरा एग्जाम्पल, दीज आर माई फ्रेंड्स अनीता, नीना, सुनैना। एक से ज्यादा फ्रेंड्स हैं तो बोल सकते हैं, हेलो मिसेज रॉय, दीज आर माई फ्रेंड्स अनीता, नीना एंड सुनैना। अब मैंने जो वर्ड्स लिए हैं वो है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए, दिस इज अ पेंसिल, इसका मतलब है यहाँ एक पेंसिल है, तो पेंसिल यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, तब हम दीज का यूज करेंगे। और वहीं पे जब पेंसिल्स की बात आए, एक से ज़्यादा है, तब हम दीज का यूज करेंगे। और दोनों ही कंडीशन में पेंसिल पास में ही है, इसीलिए दीज एंड दीज का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दैट इज अ बर्ड। बर्ड यहाँ पे थोड़ी दूर में है, इसीलिए दैट का यूज किए हैं, और बर्ड यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है। दोज आर बर्ड्स, एक से ज्यादा बर्ड्स हो तो दोज बोले का यूज करेंगे। दीज पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, यहाँ एक पेन है तो यहाँ दीज का यूज करेंगे। और वही अगर पेन एक से ज्यादा हो तो वहां पे दीज पेन्स आर माइन, दीज का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, आई लाइक दिस फ्रूट, ये फल मुझे पसंद है, यहाँ पे फल एक ही है इसलिए हम दीज का यूज करेंगे। आई लाइक दीज फ्रूट्स, एक से ज्यादा फल हो तो वहां हम दीज का यूज करेंगे। है ना कितना आसान। चलिए अब हम चलते हैं, अब मैंने जो वर्ड्स लिए हैं वो है वर्ब्स। एम इज आर, वाज वेयर विल बी। ओके, तो एम इज आर यूज होते हैं प्रेजेंट के लिए, यानी अभी किसी बात की हो तब हम एम इज आर का यूज करते हैं सेंटेंस में। वाज वेयर यूज होते हैं भूतकाल की, यानी पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस हो तब हम वाज वेयर का यूज करेंगे। विल बी, शैल बी, ये है, ये यूज होते हैं फ्यूचर के लिए, यानी भविष्य की बात की जाए। इन वर्ड्स के जरिए हम समझ पाते हैं कि किस वक्त की बात हो रही है। जब सेंटेंस पहला देखिए, एम का मतलब है हूं, ये आई का यूज हम कब करेंगे, जब सेंटेंस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म में हो तब हम आई के साथ एम का यूज करेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो। इज का मतलब है, जब सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में हो तब हम ही शी इट के साथ है का यूज करेंगे इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस, ध्यान रखना। ओके, फिर आर का मतलब है, तो जब सेंटेंस सेकेंड पर्सन प्लूरल फॉर्म में हो तब हम वी दे यू के साथ है का यूज करेंगे, यानी आर का यूज करेंगे जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो। ओके, अगला, वाज का क्या मतलब है, था, तो जब सेंटेंस
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म और थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में हो तब हम आई शी ही का यूज करेंगे था के साथ या वाज के साथ और इन केस ऑफ पास्ट टेंस वेयर का मतलब है थे जब सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में सेकेंड पर्सन हो तब हम वी दे यू के साथ वेयर का यूज करेंगे यानी थे का यूज करेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है कि नहीं। ओके, विल बी का क्या मतलब है? होगा या होगी। अगर जेंडर चेंज होगा यहाँ पे इन केस तो होगा या होगी। यहाँ पे जब सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में या के साथ सेकेंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में हो तब हम ही यू शी ही दे के साथ विल बी का यूज करेंगे इन केस ऑफ फ्यूचर टेंस। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम यू का यूज वी दे यू के साथ प्लूरल फॉर्म में हो जब सेंटेंस उसके साथ सेकेंड पर्सन हो तब हम वेयर का यूज करते हैं, जब सेंटेंस में सेकेंड पर्सन के साथ प्लूरल हो और वी दे यू का यूज हम आर के साथ करेंगे जब जब सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में हो वहाँ हम यू का यूज करेंगे। और तीसरा यू का यूज कब होगा? जब सेंटेंस सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन फॉर्म में हो तब हम विल बी का यूज करेंगे और सेंटेंस फ्यूचर फॉर्म में होना चाहिए। अब आखिरी देखिए शैल बी, इसका मतलब है होगा या होगी। जब सेंटेंस प्रेजेंट फ्यूचर फॉर्म में हो फ्यूचर टेंस में हो तब हम आई वी का यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखिए। आई एम ए बॉय, यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में है तो हमने यहाँ आई के साथ एम का यूज किया है। शी इज अ गुड गर्ल, यहाँ सेंटेंस यहाँ भी प्रेजेंट फॉर्म में है तो हमने यहाँ पे इज के साथ शी का यूज किया है। अगला एग्जाम्पल है वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ वी के साथ आर का यूज किया है। आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो यहाँ वाज के साथ आई का यूज हुआ है। दे वेर डांसिंग देयर, यहाँ भी सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो दे के साथ वेयर का यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल है यू वेर देयर फॉर मी, ये भी सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो यहाँ भी यू वेयर के साथ यू का यूज हुआ है। शी विल बी देयर, ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो यहाँ शी के साथ विल का यूज हुआ है। और आखिरी एग्जाम्पल वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, ये सेंटेंस भी फ्यूचर टेंस में है तो यहाँ शैल के साथ वी का यूज किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब and also press the bell icon for more updates of my videos.